महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और बराबरी के हक की ये लड़ाई हैदराबाद की जिस केस से शुरू हुई, सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई देगी। हैदराबाद में हमारे संवाददाता आशीष पांडे मौजूद है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदर्शन की जो सूरत है वो वहां पर दिखाई दे रही है। देखिए आशीष, यहां पर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं तो लोगों के हाथों में पोस्टर्स हैं, नारे वहां पर लग रहे हैं। लेकिन आशीष, सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है, 4 दिन लग गए मुख्यमंत्री को इस मामले में कुछ कहने में। वही मुख्यमंत्री जिसे जनता ने चुना है, आधी आबादी ने भी चुना है, इतना बड़ा केस वहां पर हो जाता है और उसके बाद 4 दिन बाद मुख्यमंत्री सामने आते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्लान प्रोटेस्ट नहीं था, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है। काफी फेमस कॉलेज है यहाँ हैदराबाद का, उसके स्टूडेंट खुद से सड़कों पे आ गए हैं और अब पुलिस कर्मियों ने इनको आकर बोला है, बताया कि देखिए आपके पास परमिशन नहीं है। लेकिन जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो सड़कों में फूट रहा है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जहाँ कल शादी अटेंड करने को एक अपने एमएलए विधायक के बेटी की शादी अटेंड करने को प्राथमिकता समझे, वही अब ये जो गुस्सा है ये बता रहा है कि कैसे लोग इस दुखद घटनाक्रम, इस घृणित आपराधिक घटना के ऊपर कितने नाराज हैं। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स, छात्र जो हैं, लड़कियां, महिलाएं, सारे लोग सड़कों पे हैं और एक ही नारा, एक ही चीज वो डिमांड करते हैं कि वो उनको चाहिए न्याय, वी वॉन्ट जस्टिस, यही इनका नारा है। आप बताइए, ये जो घटना हुई है इसको लेके सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है, आपको लगता है सरकार और पुलिस की नाकामी इसकी वजह से घटना हुई है? सर, पहले तो हम ये बोलेंगे कि सर, वो लड़की ने उनके भाई को कॉल, बहन को कॉल किया, तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ये बोल रहे कि उन्हें 100 डायल करना था। अरे वो सिचुएशन में उन्हें कैसा परेशान रहती, तो हमको किसी के ऊपर गुजरेगा तो जब मालूम होगा 100 डायल करी या सिस्टर को करी, और उसके बाद उसका FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप बोलिए। सही तौर पे गुस्सा जो है, मुख्य होम मिनिस्टर जो गृह राज्य मंत्री हैं तेलंगाना के महमूद अली, उन्होंने जो बयान दिया था, काफी बेतुका बयान था, उसको लेकर भी गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई निंदा नहीं आई गृह मंत्री के बयान पे। गृह मंत्री ने हालांकि बाद में क्लैरिफाई किया कि वो जो विक्टिम थी, मृतिका है, वो उनकी बेटी की तरह के हैं। लेकिन जो सवाल, जो बयान उन्होंने दिया था, उसको लेकर भी काफी आक्रोश है। और ये जो पूरे जो छात्र हैं, ये जाहिर तौर पे उस गुस्से को बयान करते हैं, ये जो गुस्सा है उसको बयान करते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे सैकड़ों की तादाद में है ये छात्र, इनके पास परमिशन नहीं था। हैदराबाद में बिना परमिशन के आप कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब ये सड़कों पर उतरे तो पुलिस को भी झुकना पड़ा। अभी इनको अलाउ किया गया है, ये लोग करीब 2 किलोमीटर की मार्च किए हैं अपने कॉलेज से, अब वापस कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। ये जो गुस्सा है, इसको समझने की जरूरत है कि आखिर बार बार ये जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो किनकी नाकामी की वजह से हो रही है, नाकामी है तो कौन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस घटना की नाकामी, अगर किसी पुलिस की नाकामी है, सरकार की नाकामी है, जहां भी नाकामी है, उसको कौन उस नाकामी को ओन करेगा? जी आशीष, एक हैरानी इस बात पर भी होती है, मैं चाहूंगी अगर आप कुछ जो फीमेल स्टूडेंट्स अगर उनके पास तक पहुंच पाए। पुलिस यहां पर ऐसा लग रहा है कि गाइडलाइंस भी यहां पर लड़कियों के लिए जारी हो रही है इस घटना के बाद, कि अगर आपको घर से बाहर जाना है, देर रात जाना है, तो आप घर में कहां कहां जा रहे हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा प्लान बताकर जाए। हैरानी होती है इस तरह के रिएक्शन पर भी कि महिला ही दोषी है, उसी को सारी जो है एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है। इस पर किस तरह से फीमेल स्टूडेंट्स वहां पर रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं या बाकी स्टूडेंट जिनसे भी आप बात कर सके? जी जी, मैं महिलाओं से, जो कुछ छात्र हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं पूछना चाहूंगा, ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद का जो एक सर्कुलर आया खास तौर पे महिलाओं के लिए, कि ये जो पूरी घटना है उसको, ये उसके ऊपर उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मैम, आप ये बताएं, ये जो घटना हुई, इसको लेके आप कैसे देखते हैं, क्या डिमांड है, और खास तौर पे आपको लगता है आप जब बाहर निकलते हैं सेफ रहता है पूरा, आप जब सेफ फील करती हैं सड़कों पे, ये जो घटना हुई इसको लेके कितना गुस्सा है आपके अंदर? गुस्सा तो बहुत है, इसे न्याय मिलना चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, कब तक हम अंदर रहेंगे, घुट घुट के जिएंगे? तो आखिर क्यों हम घुट घुट कर जिए?